नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। तो आज है 12 नवंबर 2019 और आज के सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले अलॉन्ग में जो है डेली क्विज हम खेलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेली क्विज ओपन हो रहा है और दोस्तों पहला सवाल आ चुका है। दालचीनी मसाला पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है, जड़, फूल, छाल या फल? इसका सही जवाब है छाल। मैं छाल को लॉक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही उत्तर आपका, क्या बात है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में जो है अगर आपने कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करके जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वो बेल आइकॉन दबाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाएगी। दूसरा सवाल आ चुका है दोस्तों, इनमें से कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है, टेनिस, मुक्केबाजी, शतरंज और फुटबॉल? आपको पता होगा मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग का जो गेम है वो रिंग में खेलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, मुक्केबाजी बिल्कुल सही जवाब है, बॉक्सिंग अगर आप अंग्रेजी में खेलते हैं। तीसरा सवाल है, इनमें से क्या एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट ऐप है? व्हाट्सएप में वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती, उबेर तो ट्रैवलिंग ऐप है, अर्बन क्लैप नहीं, यूट्यूब इसका सही जवाब है जिस पर आप ये पूरा जो है ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप समय समय पर हमारे वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इस चैनल के रिगार्डिंग। बांस इनमें से किसका प्रकार है, घास, ताड़, नागफनी या बड़? इसका सही जवाब है घास, मेरे ख्याल से। बिल्कुल हाँ, सही जवाब है, क्या बात है। घास मुझे लग रहा था, हालांकि मैं 99.9% था। अच्छा पांचवा सवाल आ चुका है, विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के नाम में एन क्या है? INS में जो एन है एन का मतलब होता है नेवल, आपको पता भी होगा ये एक नौका है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका, क्या बात है। पांच सवालों के 500 अंक हमको मिल चुके हैं, आप खेलते रहिए। आपका जो आपको अगर 1000 अंक मिलेंगे अगर ये खेलते हैं तो, और आपकी रैंकिंग ग्रो हो जाएगी लीडर बोर्ड में। तो इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? आपको पता होगा सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है, मैंने थोड़ी समय पहले ही अभी पढ़ा था, तो मंगल है, बिल्कुल आज ही पढ़ा हूँ मैंने ये, तो मंगल बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। मार्स बिल्कुल सही उत्तर आपका, क्या बात है। अगला सवाल आ चुका है दोस्तों, ये सातवां सवाल है, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आपको पता होगा प्रकाश पादुकोण जी जो है जो अभिनेत्री है, दीपिका पादुकोण जी उनके पिताजी हैं और पुलेला गोपीचंद जी जो है वो मेरे ख्याल से एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर के कोच है। अभी जैसे को मैंने बताया कि बैडमिंटन प्लेयर, तो बैडमिंटन ही सही जवाब होगा इसका। बिल्कुल सही उत्तर आपका, मेरे ख्याल से पुलेला गोपीचंद शायद सानिया पी वी सिंधु शायद इनमें से किसी के कोच रहे हैं जहाँ तक। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी, लिबर्टेनियन पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी? मेरे ख्याल से अमेरिका में जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच फाइट रहती है और रिपब्लिकन पार्टी से है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, और मेरे ख्याल से जो बराक ओबामा जी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो मेंबर थे, तो सही जवाब हुआ इसका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ओथेलो नाटक के रचयिता कौन है? ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है विलियम शेक्सपियर जी जो ओथेलो नाटक के रचयिता है। ओथेलो एक ड्रामा है, ड्रामा है, और हम मैं खुद एम ए लिटरेचर जो है एम ए इंग्लिश से रिलेटेड हूँ तो पढ़ाई में होता था। ईस्टर किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो ईस्टर आपको पता होगा जो इस्लाम, बौद्ध और शिंटो, इसका सही जवाब नहीं है, ईसाई बिल्कुल सही जवाब है। ईसाई जो है वो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं, चर्च में मनाया जाता है ये। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है कमेंट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अभी करीब वीडियो अपलोड होते तक 3:15 बजेंगे शायद, तो उसके बाद में आपको बहुत समय है, रात के 8 बजे तक आप ये जो है KBC डेली प्ले अलॉन्ग जो है खेल सकते हैं, जो डेली क्विज है प्ले अलॉन्ग गेम में। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे जो अपडेट्स हैं वो सही समय पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।